Question M. A train is moving towards the east and a car is along the north, both with the same speed. The observed direction of car to the passenger in the train is. The question में पहली बात तो directions दी गई हैं. याद रखिए हम हमेशा पूरी physics में east direction को east मानते हैं, इसको west मानते हैं, ऊपर वाली direction को north मानते हैं और नीचे वाली direction को south मानते हैं. ठीक है. A train is moving towards east. Train इधर जा रही है भाई. ये train है. ठीक. And a car is along north. ये car जा रही है. Along north. ऊपर की तरफ. ये इस तरफ जा रही है. With the same speed. दोनों की speed same है. इसकी भी v मान लो और इसकी भी v मान लो. अब ये कह रहा है कि the observed direction of the car to the passenger in the train. जो ट्रेन के अंदर बैठे लोग हैं वो कार को देख रहे हैं. ट्रेन के अंदर बैठे लोग कार को देख रहे हैं. तो ये बताना है कि ट्रेन के लोगों को जो कार की डायरेक्शन है वो क्या दिखाई देगी. ठीक है. इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं. ट्रेन के अंदर बैठे लोगों को कार की जो डायरेक्शन है वो क्या दिखाई देगी. अगर आप खड़े होकर देखते हो, रेस्ट में खड़े होकर, फिर तो कार की डायरेक्शन आपको क्या नजर आएगी. नॉर्थ. आपको क्या लगेगा कि कार किस तरफ जा रही है. नॉर्थ में. ठीक है. लेकिन ट्रेन के अंदर बैठे लोग देख रहे हैं तो उनको एक्चुअल नज़र नहीं आएगा क्योंकि वो खुद मूव कर रहे हैं. कोई भी पर्सन अगर एक्चुअली वो अगर वो रेस्ट में नहीं है तो उसको एक्चुअल कभी नज़र नहीं आता. रेस्ट में रहते हुए एक्चुअल नज़र आता है. अगर वो खुद मूव कर रहा है तो उसको उसकी स्पीड भी अलग नज़र आएगी और उसकी डायरेक्शन भी अलग नज़र आएगी. तो ये पूछा गया कि क्या नज़र आएगी. तो ऐसा करने के लिए क्या करते हैं हम. रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे. इसके लिए क्या करते हैं हम. ट्रेन की जो वेलोसिटी है वो पलट के कार को दे देंगे. ट्रेन की वेलोसिटी पलट के कार को दे देंगे. उससे जो कार की फिर नेट वेलोसिटी निकालने के लिए नेट वेलोसिटी आ जाएगी और डायरेक्शन भी आ जाएगी. तो ये कैसे करेंगे हम इसको. इसके अंदर ऐसा करिए जो ट्रेन की वेलोसिटी वी है इस तरफ वो इस तरफ दे दीजिए. वी इस तरफ दे दी आपने. ट्रेन की जो वेलोसिटी है वो पलट के आपने कार को दे दी इस तरफ. ठीक है. ये तो थी पहले और ये इस तरफ और मिल गई तो नेट वेलोसिटी कितनी होगी इसकी. रूट टू वी. हाँ जी. नेट वेलोसिटी क्या होगी इसकी. रूट टू वी होगी. पहली बात तो अगर ये पूछता कि ट्रेन के अंदर बैठे लोगों को कार की स्पीड क्या नजर आएगी तो इसका आंसर होता रूट टू वी. अब डायरेक्शन. डायरेक्शन बताइए. नॉर्थ और वेस्ट के ठीक बीचों बीच है. नॉर्थ और वेस्ट के ठीक बीचों बीच है यानी कि नॉर्थ वेस्ट. ये डायरेक्शन कौन सी है यहाँ पे. नॉर्थ वेस्ट. समझ आ रही है बात आपको. ये वाली डायरेक्शन होगी नॉर्थ ईस्ट. अगर ये होती तो बाय द वे कहीं पर ये वाली डायरेक्शन आ जाए तो इसका नाम नॉर्थ ईस्ट होगा. इस वाली डायरेक्शन का नाम होता है साउथ ईस्ट और इसका नाम क्या होता है. साउथ वेस्ट. समझ आ रही है बात आपको. इस केस के अंदर आप ये नोट भी कर लो कि हमेशा ही देखो क्या होता है कि जो ये वाली डायरेक्शन है इसका नाम नॉर्थ ईस्ट होता है. ठीक है. ये अगर नॉर्थ है ये ईस्ट है तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया. ये वेस्ट है और ये साउथ है. इसका नाम होता है नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट. और इसका नाम होता है साउथ वेस्ट. और इसका नाम होता है साउथ ईस्ट. ठीक है. साउथ ईस्ट. अब एक स्टूडेंट ये बोलता है कि सर जैसे आपने इसका नाम बोला नॉर्थ ईस्ट क्या हम इसको ईस्ट नॉर्थ बोल सकते हैं. नहीं. ये कन्वेंशन है. नॉर्थ ईस्ट ही बोला जाता है. पहले नॉर्थ या साउथ का ही नाम लिया जाता है. समझ आ रही है बात आपको. हर जगह ये ऑल ओवर वर्ल्ड में स्टैंडर्ड है ये. समझ आ रही है बात आपको. तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो ये चीज़ माननी ही पड़ेगी. ठीक है ना. कि पहले नॉर्थ या फिर पहले साउथ नाम लिया जाता है. नॉर्थ या साउथ में से कोई एक नाम लिया जाता है ताकि कन्फ्यूजन्स क्रिएट ना हो. समझ आ गई बात आपको. ओके. यस. एक सेकंड. आप ये कह रहे हो ट्रेन भी नॉर्थ की तरफ जा रही हो सेम स्पीड से. ठीक है. तो अब सुनो इसका क्वेश्चन ये है कि सर कार भी नॉर्थ की तरफ जा रही है वी की स्पीड से और ट्रेन भी नॉर्थ की तरफ जा रही है वी की स्पीड से. ठीक है. दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं वी की स्पीड से. अब वही बताना है ना कि अब ये ना ट्रेन के लोगों को कार की स्पीड क्या नजर आएगी और किस डायरेक्शन में नजर आएगी. इस बात का जवाब ये है कि ट्रेन के लोगों को कार रेस्ट में नजर आएगी और डायरेक्शन का कोई मतलब ही पैदा नहीं होता. जब रेस्ट में ये तो डायरेक्शन क्या बताओगे उसमें. एक्चुअल में इसका क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जैसे ये जो कार है वो वी की स्पीड से ऊपर जा रही है जैसे. ठीक है. इधर नॉर्थ की तरफ जा रही है और ये ट्रेन भी वी की स्पीड से इधर जा रही है. ठीक है. ये कार है सी टी फोर ट्रेन दोनों ऊपर जा रही हैं. तो यहाँ पर ट्रेन के रिस्पेक्ट में कार की स्पीड निकालनी है तो ट्रेन वाली स्पीड पलट के दोगे वी नीचे की तरफ. तो कार के पास वी ऊपर की तरफ है और एक वी नीचे मिल गई तो नेट क्या हो गई. जीरो. तो ये रुकी रह गई.
इसमें अगर ये कहा जाएगी अब डायरेक्शन बताओ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी होगी तो डायरेक्शन बताएंगे ना, यहाँ डायरेक्शन है ही नहीं। समझ आ गया? यस। किसी के मन में और कोई डाउट पूछ सकते हो आप इसमें, कुछ भी समझ कितनों को आ गया? गुड।